ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए खबर जो है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान सोचता है कि कब भुखमरी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जब विकसित देशों की बारी आएगी या विकासशील देशों की बारी आएगी तो हमारा नंबर आएगा, लेकिन वहां पाकिस्तान का नंबर नहीं आने वाला है। पाकिस्तान का नंबर आने वाला है किसी और तरीके से, जिसमें पाकिस्तान खौफ में भी जी रहा है और डर के साए में जीने वाले वहां जो बसे हुए आतंकी हैं वो डर के मारे लोकेशन भी बदल रहे हैं। खबर आप पूरी जान लीजिए, हानिया की मौत के बाद, यानी कि हमास के चीफ हानिया की मौत के बाद आतंक के जो रखवाले हैं उनमें बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों में भगदड़ मानो मच गई है। मौत के डर से अब थर थर कांप रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी। आतंकी ऑफिस सही भी उसी में आता है, असर मजबूत भी उसमें आता है। असर मजबूत ने भी अपना ठिकाना बदल लिया है। जानकारी तो ऐसी मिल रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक ने अपने ठिकाने बदले हैं। इन जो आतंकियों में अब दहशत देखी जा रही है वो भारत के लिहाज से अच्छी खबर है। आतंकी अब दहशत के मारे अपनी लोकेशन बार बार बदल रहे हैं। हमास के चीफ हानिया की मौत हो गई, सीधे सीधे जो नाम सामने आया वो इसराइल का सामने आया। हालांकि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में उसमें भारत के भी इन्वॉल्वमेंट को बताया गया, ये कहा गया कि रॉ का किया हुआ है। इन सभी खबरों के बीच में जब पाकिस्तान में हलचल तेज हुई हानिया की मौत के बाद, जो जनाजा निकला, जो अंतिम यात्रा निकली, उसमें हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में छिपे बैठे हुए आतंकी और आतंकी सरगना जो अब डर के मारे अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं हानिया जैसी मौत हमें ना मिल जाए। हानिया जो कि सीधे तौर पर इसराइल का दुश्मन था, लेकिन यहाँ जो भारत के दुश्मन है और जो टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनमें खतरा सबसे ज्यादा है, दहशत सबसे ज्यादा है। हानिया की हत्या की आड़ में पाकिस्तान की नापाक चाल भी इस बीच सामने आ गई है। ईरान भारत की दोस्ती में दरार डालना चाहता है पाक। पाकिस्तान की ISI ने भारत को फंसाने की कोशिश की है। हानिया की मौत से बौखला गया है पाकिस्तान। आतंक परस्त पाकिस्तान जो आतंकियों को पनाह देता है फिर खुद आतंक से परेशानियों का सामना करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने नापाक हरकत यहां पर की है, नापाक चाल चली है। हानिया की हत्या के पीछे भारत का हाथ पाकिस्तान बता रहा है। ये खबर कल से बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। उधर हमास के चीफ हानिया की मौत होती है, हत्या इसके पीछे कही जाती है, ये कहा जाता है कि हत्या हुई है और हत्या के पीछे सीधे सीधे इसराइल का हाथ है। जैसा कि इसराइल ने पहले भी ठाना था हमास का खात्मा होगा और अब हमास चीफ का खात्मा हो गया, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने चल दिया है अपना प्रोपेगेंडा, अपनी ही चाल, और ये नापाक चाल चली है ईरान और भारत की दोस्ती में दरार डालने को लेकर। संजीव श्रीवास्तव जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं मेरे साथ में जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड GS सोढ़ी भी मेरे साथ में जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, भारत और ईरान की दोस्ती पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है ये तो साफ है, और पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान अलग अलग प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व रहा है भी, लेकिन पाकिस्तान इस हद तक भी गिर सकता है कि एक तरफ तो भीख का कटोरा हाथ आगे बढ़ाता है, भारत से दोस्ती की गुहार लगाता है, भारत से रिश्तों को अच्छा करना चाहता है, फिर दूसरी तरफ वो नापाक चाल चल देता है, गलत तरीके से हानिया की मौत के पीछे भारत को बताता है। देखिए, पाकिस्तान जो है एक आतंक परस्त राष्ट्र है। पाकिस्तान की जो सोच है वो आतंकी सोच है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि भारत और ईरान जैसे जो बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो दोनों के बीच का जो सिविलाइजेशनल जो टाइज है उसको वो उसमें वो किसी तरीके की दरार डालने की हमेशा उसकी कोशिश रहती है, हमेशा मंशा रहती है। भारत और ईरान के पाकिस्तान कभी भी पसंद नहीं करता है, और ऐसे में इस तरीके की बात कहना अब्दुल बासित के द्वारा बिना किसी आधार के, बिना किसी सब्सटेंस के कि भारत की खुफिया एजेंसी इसमें शामिल है, जाहिर है कि ये भारत और ईरान के संबंधों में दरार डालने की साजिश है, जिसको कि जाहिर है कि दोनों राष्ट्र सफल नहीं होने देंगे। इस बात की संभावना कहीं ज़्यादा दिखाई देती है कि पाकिस्तान जो कि एक अवसरवादी राष्ट्र है, पाकिस्तान जो कि लगातार अपने छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ करता है, हमने देखा था कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने काबुल में अयमान अल जवाहरी अलकायदा का जो नंबर 2 था उसको मार गिराया था, और इस बात की बहुत संभावना है कि उस तरीके का जो इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को शेयर की थी। इस पूरी घटना में भी पाकिस्तान के ऊपर यदि राष्ट्रों का भारी दबाव आए
तो ये पाकिस्तान अपनी अवसरवादिता की वजह से किसी भी पड़े में जाके बैठ सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो पाकिस्तान जो स्वयं आतंक परस्त राष्ट्र है, और एक दूसरी बात मैं अवश्य कहूँगा कि जो आतंक परस्त तो है ही, आतंकियों को संरक्षण देता है, पाकिस्तान की जो आतंकी सोच जो विश्व में सभ्यताओं के बीच में जो संवाद की प्रक्रिया है उसको तोड़ने की भी है, और पाकिस्तान लगातार विश्व में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने की भी साजिशें रचता है। इस बात को ये बात भी इससे अप्रमाणित होती है। भारत और ईरान के जो संबंध हैं वो बेहद प्रगाढ़ और गहरे हैं। इसका आधार जैसा कि मैंने कहा कि सिविलाइजेशनल है, लेकिन साथ ही साथ भारत के चाहे वो आर्थिक संबंध हो, चाहे वो सामरिक संबंध हो, वर्तमान समय में भी ये बेहद गहरे हैं। चाबहार जैसा बड़ा जो पोर्ट है उसको लेकर के भी पाकिस्तान दबाव में रहता है, और इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स थे इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है कि विश्व में चाहे कितने भी उथल पुथल पुथल क्यों ना हो जाए, भारत और ईरान के जो संबंध हैं वो लगातार बने हुए हैं। भारत जानता है कि कैसे अपने दोस्तों के साथ में उसे रिश्ते अपने बेहतर रखने हैं और कैसे उन्हें बिगड़ने नहीं देना है, और कहते हैं